सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑलिव वुड का लाइव मॉक। ठीक है, देखते हैं अपना स्कोर क्या रहता है इसमें। एंड आज मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक है, सो ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए एंड अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ठीक है, ठीक है, तो हम पहला स्टार्ट करेंगे अपना रीजनिंग से। ठीक है गाइस, तो रीजनिंग से फिर मैथ्स में आएंगे एंड देन फिर आगे जो जीके इंग्लिश है वो करेंगे। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 641, 866, इसमें गैप देखते कितने का पहले आ रहा है। ठीक है, सो गैप यहाँ पे आ रहा है 225 का। ठीक है, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है वो। एंड 1122 माइनस 866 अगर करते हैं हम तो 256 आता है, यानी 16 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17, 18, 19 का स्क्वायर आना चाहिए, यानी 361 ऐड करना है इसमें। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2096। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो डिज्नी, डिज्नी को लिखा है TJWZFM। सो एस यहाँ पे टी, फिर आई जे एंड डी का एस। अच्छा, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू लिखा है। ठीक है, तो यानी हमें पहला वाले का ऑपोजिट लिखना है। तो सी का ऑपोजिट क्या आता है हमारे पास, एक्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा NOIJOX, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डाइस का है, तीसरा क्वेश्चन। टू ओरिएंटेशन ऑफ द सेम बॉक्स एज शोन, हाउ विल बी द बॉक्स लुक व्हेन अनफोल्डेड। तो हमें ऐसा पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न कहाँ पे बन रहा है वो देखेंगे हम पहले। सो ऑप्शन नंबर वन देखते हैं, यहाँ पे 4 के अपोजिट आएगा 6। ठीक है, तो ये नहीं बन सकता है दोस्त। 5 2, ये भी नहीं बनेगा। सो यहाँ पे 6 और 2, 5 और 4, ठीक है, ये बन सकता है। यहाँ पे 5 और 2 अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिप्लेस करना है। ठीक है, सो यहाँ पे RL तो नहीं होगा क्योंकि I आ रहा है, M भी नहीं होगा, N भी नहीं होगा, तो यहाँ पे GHIH, H यहाँ पे आएगा, फिर इसके बाद I आएगा, तो यानी R के बाद SVT। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको करते हैं। इफ ए इज द सन ऑफ बी, यानी क्यू इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद पी इज द सन ऑफ एम। ठीक है, पी यहाँ पे सन। ठीक है, ओके, एम इज द हस्बैंड ऑफ ओ। ठीक है, यानी ओ इसकी वाइफ, एम हस्बैंड। ठीक है, यहाँ पे ओ इज़ दी डॉटर ऑफ आर। ठीक है, डॉटर ऑफ आर। ठीक है, इसकी, ठीक है, आर इज़ दी हस्बैंड ऑफ एस, यानी ये लड़का, ठीक है, ये मेल है और एक्स एस। यहाँ पे हाउ इज़ आर रिलेटेड टू पी, तो आर यहाँ पे इसका, ठीक है, तो आर यहाँ पे ग्रैंडफादर हो जाएगा इसका। ठीक है, पी का, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, 105 और 630, 6 दिन 9, ये नहीं बनेगा। 105 का डबल अगर करते हैं हम और फिर ट्रिपल, ठीक है, 3 और 2। ठीक है, अगर ट्रिपल करते हैं, डबल करके ट्रिपल करते हैं अगर इसको, ठीक है, इंटू 2 और इंटू 3 करेंगे तो 127 इंटू 2 और N23। ठीक है, तो ये आ रहा है 102 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तो 612, ये नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, ये ऑड है। ठीक है, आ गया है। ऑल टैलेंट्स आर स्किल। ठीक है, ऑल टैलेंट स्किल्स है, सम एबिलिटीज। ठीक है, एबिलिटीज आर टैलेंट। ठीक है, नो वर्क इज स्किल। ठीक है, कोई भी वर्क स्किल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कंक्लूजन में देखते हैं। सम वर्क इज एबिलिटी, सम वर्क इज एबिलिटी, नहीं भाई नहीं हो सकता है।
नो टैलेंट इज़ वर्क, हाँ ये हो सकता है, तो ये फॉलो कर रहे हैं हमारा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 16 का स्क्वायर फिर एक बढ़ गया, 23 का स्क्वायर फिर एक बढ़ना चाहिए, ये आपको 34 का स्क्वायर। ठीक है तो एक इसका स्क्वायर और इसमें से एक नंबर बढ़ रहा है, यानी 24 हो जाएगा इसका से। ठीक है आगे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 28 इन दोनों को जोड़ने पे 38 आ रहा है। ठीक है इसको जोड़ने पे 62, ठीक है ये फॉलो कर रहा है, इनको दोनों को जोड़ना होगा। सो इसमें करेंगे तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे दो, ये भी नहीं आएगा। ठीक है ये बन सकता है, ठीक है ठीक है ये बन जाएगा। ठीक है सेवन बॉयज आर सिटिंग इन अ लीनियर रो, एल इज 10 मीटर टू द ईस्ट, एल जो है वो 10 मीटर है ईस्ट, ठीक है, एंड वेस्ट ऑफ के, वेस्ट ऑफ के यानी इस तरफ हो गया। ठीक है रिस्पेक्टिवली एच इज 5 मीटर द ईस्ट ऑफ एम, एच जो है वो एम के 5 मीटर ईस्ट में, ठीक है ये बन जाएगा इधर, और जी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ के। ठीक है तो इधर आपका के जे एंड डब्ल्यू, ठीक है डब्ल्यू इधर बैठ रहा है लास्ट में, जे और डब्ल्यू ठीक है एंड से बैठ रहे हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन एल एंड डब्ल्यू इज 17, ठीक है क्योंकि 289 का स्क्वायर 17 होता है, तो ये इतना ही, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है 2 इधर हो गया, 17 इधर, 10 और 8 18, ठीक है यानी कि 17 और 18 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35, तो डिस्टेंस और जो जी ओ डब्ल्यू के बीच डिस्टेंस है 35 मीटर का। ठीक है आगे बढ़ते हैं, एम एंड ओ, एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस आर लिविंग इन अ बिल्डिंग, फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है 1 to 7 बनेगा नीचे से, ईच फ्लोर हैज़ ओनली वन पर्सन, आर एंड एस लिव्स एन ऑड नंबर, ठीक है ऑड नंबर्स पे रह रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे रह सकते हैं 3 पे 5 पे एंड 7 पे, ठीक है वो चला, हु लिव्स ऑन द फ्लोर 1, ठीक है देखते हैं, क्यू लिव्स इमीडिएट बिलो एस, क्यू लिव्स इमीडिएट बिलो एस, ठीक है यहाँ बन सकते हैं, इसके 2 केसेस बन सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ बन सकते हैं। ठीक है उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फोर पीपल लिव्स बिटवीन एस एंड एम, फोर पीपल, सो फोर यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे एस और यहाँ पे एम, ठीक है आर लिप्स एबव एम, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे कैसे बैठ सकते हैं, पी लिप्स इमीडिएट बिलो एन, पी लिप्स इमीडिएट बिलो एन, तो 3 इधर वेट रहे हैं, इधर एन बैठ रहा है, सो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकते हैं, 2 केसेस आ रहे हैं इस पे। ठीक है फ्लोर एन पे आपका ओ, 2 टाइम स्टेटमेंट अलोन इज सफिशियंट, यहाँ पे वो आ रहा है ना 1 पे, सो 1 इधर इधर 1, ठीक है तो दोनों टुगेदर सफिशियंट कर रहे हैं। ठीक है तो ये बन जाएगा अपना से। आगे बढ़ते हैं सिटी एक्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो अब यहाँ पे थोड़ी रीजनिंग आ गई है एबिलिटी वाली, देखते हैं इसमें क्या होता है। क्लास इन सिटी एक्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्लोज टू द मेट्रो स्टेशन हैव पुट अ स्टॉप द नियर मेट्रो रेल मूवमेंट वाई द नेबरिंग रूट्स बिफोर इट अफेक्ट्स द पेशेंट, तो ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसके बगल में जो मेट्रो स्टेशन होते हैं वहाँ पे मूवमेंट बंद करना चाहिए क्योंकि वो अफेक्ट करते हैं पेशेंट्स को। तो यहाँ पे एक्शन क्या बता रहे हैं, द मेट्रो स्टेशन शुड बी डिस्ट्रॉयड, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ऑल द पेशेंट्स फ्रॉम द नियर बाई हॉस्पिटल्स हैव शुड बी ट्रांसफर्ड टू अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ऑल द पेशेंट्स फ्रॉम नियर बाई हॉस्पिटल, हाँ ये हो सकता है अगर क्राउड ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ से इनको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये ओनली 2 फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है, बाकी देखते हैं आपको रिव्यू करके इसको। ठीक है क्योंकि ये मेरा मैक्सिमम रॉन्ग ये होता है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, वाटर इमेज हमें बनाना है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ये बन सकता है, ये तो नहीं बनेगा,
ये बन सकता है 0 1, नहीं ये नहीं बनेगा क्योंकि ये पॉजिट आ जाएगा, ठीक है ये हट गया, बचा ये और ये, ठीक है। सो यहाँ पे M U और R, ठीक है आर सी सॉरी, इसका ये बन सकता है, ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये है, ठीक है तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर विच डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, तो फॉलो को कौन सा फिगर नहीं कर रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर के अंदर ये बन गया है, फिर एक स्क्वायर के अंदर ये बन गया है, फिर यहाँ पे एक पेंटागन है उसके अंदर ये बना है, यहाँ पे स्टार ये नहीं हो सकता है, मुझे लग रहा है ये ऑड है, ठीक है क्योंकि ये कुछ स्टार टाइप के बन रहे हैं ना, तो ये ऐसा किसी में नहीं बन रहे हैं, सो ये हो सकता है, ठीक है। इन दिस टू यहाँ पे फिर आ गया एबिलिटी वाला क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और कंक्लूजन में दिखने में। सो स्टेटमेंट कह रहा है स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ विच कीप्स देम फिट, एंड ये सही है, अ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हैज लीड टू हार्ट डिजीज इन सर्टेन पीपल, सो फिजिकल एक्टिविटी हैज लेड टू हार्ट डिजीज, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात नहीं गई है, बस यहाँ बताया है कि फिजिकल के लिए स्पोर्ट्स का चाहिए, स्पोर्ट्स करना, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट लग रहा है मुझे क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है बाकी देखते हैं आगे। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट कैन बी डिफाइंड टू प्रमोटिंग वुमेन्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, देयर एबिलिटी टू डिटरमाइन देयर ओन चॉइसेस एंड देयर राइट टू इन्फ्लुएंस सोशल चेंज फॉर देम सेल्फ्स। सो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इसका, टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, एवरी फैमिली ऑट टू इंकरेज इट्स वुमेन टू परस्यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, हाँ ये सही है कि वुमेन को बढ़ावा देना, ये सही है, एवरी वुमेन शुड अंडरस्टैंड दैट शी प्लेज एन इक्वल रोल इन सोसाइटी विद मैन, ये भी सही है, सो यहाँ पे बोथ होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जी, फिर स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स है जी से, फिर एक्स जो है स्मॉलर है वी से, और वी जो है बड़ा है एन से, ठीक है। यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है यहाँ पे, सो जी जी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू पी, इक्वल टू तो है लेकिन छोटा है, ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू तो दोनों नहीं बन सकता है ये होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 7 persons speak U R S T U and we are sitting in a straight line facing north direction. Who among the following sits 4 to the right of P? ठीक है देखते हैं वाला। थ्री पर्सन सेट बिटवीन क्यू एंड एस, ठीक है तीन बंदे बैठ रहे हैं। टी सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, टी इमीडिएट राइट ऑफ एस, ठीक है। पी सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, ठीक है थर्ड 1 2 3 यहाँ बैठ रहा है टी, ठीक है यू के। सो 1 person सेट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है 1 person जो है लेफ्ट बैठ रहा है क्यू के, और पी बैठता है लेफ्ट ऑफ आर के, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू डज नॉट सिट्स एडजेसेंट, तो यहाँ पे पी बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ जाएगा आर, ठीक है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है तो ये बैठ रहे हैं तो आपका टुगेदर हो जाएगा ना सफिशेंट। ये देखते हैं इसमें डिवाइड आना चाहिए बीच में, 36 है तो ये बन सकता है इक्वल टू 36, ठीक है 12 3 36 3 12 82 984 तो नहीं बनेगा 82, मेरा 80 हो गया इधर 36 12 12 चौक 48 48 माइनस सब किस किस 61, ठीक है तो ये बन रहा है आपका, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। धानु इज द डॉटर ऑफ शानूस ओनली चाइल्ड, ठीक है धानु जो है वो डॉटर है शानूस ओनली चाइल्ड का, ठीक है। किरण इज द फादर ऑफ, ये बाद में करते हैं यार ये बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। सर द ऑप्शंस इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, यहाँ पे इधर बाहर तो नहीं आ रहा तो ये नहीं सकता है, इसमें ये बन सकता है, ये इसके बाहर आ रहा है, ठीक है ये इधर
इसके बाहर नहीं आ रहा, ये भी नहीं बने, ठीक है ये बन जाएगा, सेकंड वाला बन जाएगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ए जी ई डी 7 एंड ठीक है, रेसिप्रोकल हो रहा है यहाँ पे, मिरर इमेज बन रहा है इसका, और ई के बाद सी जी एच खत्म आई ई एफ खत्म जी, ठीक है तो एल एम आना चाहिए इधर, और एस टी हो गया एल एम एन, ठीक है तो थर्ड वाला बन जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है बाकी तो दो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे। और इन द फॉलोइंग आर लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, यहाँ पे देखने क्या है, तो पहले हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट को, दो बनेगा दो, एक एक और चार में, ठीक है तो हम चार पहले पर्सनल डिटेल्स अपना फीड करेंगे, ठीक है तो ये होगा जब दी फॉलोइंग, ये नहीं आता है मुझे भाई। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, घाना, यूरो, लाओस, बोलिविया, ये सब मुझे लग रहा है कंट्रीज के नाम है, ये आपका करेंसी लग रहा है मुझे, करेंसी होता है ना यूरो, ठीक है तो ये हो सकता है यूरो, इसका मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फ्लाई इज कोडेड एज 43, ठीक है तो आपका 6 ठीक है, सो जोड़ के बन रहा 43 शॉट, ठीक है ओ आर चेगत, अस्सी हो जाएगा, ठीक है 80 आ रहा है इसका। इसमें ये करना है कि आपको तीनों को ऐड करना है, तो ये बन रहा है ठीक है, तीन आप चारों को ऐड करें तो इतना आएगा, ठीक है करके देख लीजिएगा एक बार आप। ये सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल्डन इज रिटन एज 14 30 24 8 10 28, विजडम को कैसे लिखेंगे, तो जी 14 7 का डबल हो गया, 15 का डबल हो गया, 12 का डबल हो गया, ठीक है डबल हो रहा है यहाँ पे, तो डब्ल्यू का डबल कितना हुआ, 23 का डबल 46 हो जाएगा, 9 का डबल 18, तो ये बन रहा है आपका, ठीक है यहाँ पे आते हैं 56 प्लस 121 11, ठीक है ये आपका, अगर हम इसको डिवाइड तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है पूरा, या तो ये सकते हैं तो ये प्लस करके देखते हैं, ठीक है 11 56 और 11 67 70 115 आ रहा है, ये तो नहीं होगा, तो माइनस और मल्टीप्लाई देखते हैं, ठीक है यहाँ पे आपका 56 और 11 गुणा 7 70, ठीक है तो ये बन रहा है आपका 123 आ रहा है इसका। यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन रहे हैं, तो यानी चार चार का दे सकते हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन ले के पी एच पी के पी के, ये नहीं बन रहा है भाई, के एच एच पी ये भी नहीं बन रहा, चार का के जी एच पी के जी एच पी के जी एच पी के जी, अच्छा के जी एच पी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के जी एच पी फिर के जी एच पी, ठीक है के जी एच पी फिर यहाँ पे जी हो जाएगा फिर एच पी यहाँ पे हो जाएगा फिर के जी एच, ठीक है बन जाएगा के जी एच पी, ठीक है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी विच विल विच वर्ड विल कम एट द फिफ्थ पोजिशन, लास्ट में कौन आएगा फिफ्थ पे, ये पहले पे आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा दूसरे पे, ये आ जाएगा ये, और ये लास्ट में बाय आ जाएगा, ठीक है चलिए आते हैं मैथ्स मैथ्स में और देखते हैं इसमें कितना आता है अपना। पी इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा सिर्फ कॉस अपॉन में, इसको तोड़ेंगे हम कॉस अपॉन में साइन, तो ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन,
तो ये आपको आ जाएगा साइन माइनस माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा। शॉपकीपर बाइज एंड सेल्स द शुगर एट द सेम प्राइस बट ही मॉडिफाइज हिज वेटिंग वेइंग मशीन सो दैट ही स्टिल अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 18%। कि 100 की चीज़ है वो 118 में प्रिटेंड कर रहा है भाई बेचने का, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम दे रखा है हमारे पास 2x, मतलब 1000 ग्राम की वैल्यू 2x है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 920 सेलिंग प्राइस 920 उनकी वैल्यू उतनी है जी, 5 ग्राम जी। ये पैकेट हाँ 1000 × x 3 ये कैसे बनेगा भाई? इसका मुझे कॉन्सेप्ट तो याद है बट ये 2x दे रखा है टू गेट द सेम प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट अर्न करना 18% का, मतलब इसको बेचना है 118 में, ठीक है। 118 की वैल्यू निकालने में कैसे बनेगा भाई, इसको बाद में करते हैं। स्नेहा भाई सम लेमन सेट 7 for ₹1, 1 रुपये में 7 1/7 हो गया एंड सेल्स देम ऑफ एट अ 5 for ₹4, 1/5 हो गया तो आपका 1/7 CP SP प्रॉफिट होता है इसमें, CP में 1/2, ठीक है। छत्तीस परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है दोस्तों, ठीक है। छत्तीस नहीं आएगा, दोबारा करते हैं इसको। वैसे मेरा पहला वॉइस ओवर है तो हो सकता है कि आवाज़ बीच में ना आए या फिर बैकग्राउंड का नॉइस कैप्चर हो जाए, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम से देखूंगा, मैं इससे भी आज ऑल ऐप का टेस्ट आया था तो मुझे देने के लिए। सो यहाँ पे आपका 1/7 और SP आ गया आपका 1/5, ठीक है। तो 1/12 ठीक है, 1/7 100 ठीक है, 40 आ रहा है, सॉरी 40 हो जाएगा आपका, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इसको 1/cos A sin A कॉस ए साइन ए, दोबारा तो टैन को भी करते हैं हम कॉस साइन में, तो 1/cos A sin A माइनस 1/ में साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब कॉस ए अपॉन साइन हो जाएगा प्लस 1/ में कॉस। अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कॉस ए और साइन एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर आ जाएगा प्लस का साइन ये आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए साइन ए, साइन ए अगर कॉमन लेंगे हम तो 1 + sin A आ जाएगा अपॉन में कॉस ए और साइन ए, साइन ए और साइन ए कैंसिल हो गया, 1/cos हो गया sec, साइन ए अपॉन कॉस 10 हो गया, मतलब 10A + sec ये बन जाएगा थर्ड, ठीक है। ठीक है, ए बी एंड सी कैन डू वर्क सेपरेटली इन 24, 36, 48, ठीक है। तो आपका 24, 36, 48 तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 24, 36 12 × 2 = 24 12 × 3 = 36 12 × 4 = 48 12 आ गया तो 36, 36, 36 × 144 आ गया इसका एलसीएम 24 × 144 36 × 48
3 4 ठीक है, तो ये आपको 4 3 7 6 13 आ गया, ठीक है ओके। पूरा काम है 144, बी लिप 7 डे, तो इसको हम और 7 दिन काम करवाएंगे। 7 दिन में कितना काम कर लेगा भाई, तो 4 मिनट मतलब 28 मिनट काम कर लेगा ये। और ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन, मतलब ए को हम कितना कराएंगे, 3 6 18 ठीक है। तो ये आपका बन रहा है 144 प्लस 28 प्लस 18, 190 बन रहा है। तो 190 अपॉन में 13, तो 190 अपॉन में 13 करेंगे, तो 13 13 190 एकम 13 6 8 13 6 42 52, तो 8, तो 14, तो ये एक ही ऑप्शन में 14 तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है। नितिन डज अ लेट नाइट जॉब फ्रॉम हिज होम एट 2 PM, ही डिसाइड्स टू टेक अ ब्रेक एंड हैव अ साउथ इंडियन मील। देर आर 3 रेस्टोरेंट्स नियर बाई हिज होम, ठीक है, 3 रेस्टोरेंट्स है ए बी और सी। बाई 2 PM दे मे नॉट हैव साउथ इंडियन मील, 2 PM के बाद से साउथ इंडियन मील नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। द इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज दैट रेस्टोरेंट ए एंड बी एंड सी एंड हैव ना, इतना अगर साउथ इंडियन मील की प्रोबेबिलिटी देखा ए बी सी तीनों में, तो 0.4 ए का है, बी का है 0.7 और 0.25 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेस्टोरेंट बी डज नॉट बी, तो इसके पास अगर नहीं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.7 यानी 0.3 हो जाएगा, ठीक है ओके। बट रेस्टोरेंट ए डज, अगर ए के पास है तो 0.3 × 0.4 कर सकते हैं, तो 0.3 × 0.4 कितना आता है आपका, ये आएगा 0.12, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ x² - 324, तो ये 18 का स्क्वायर होता है 300, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 18, x+18 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना निकल जाएगा, 10 और 8 पेयर निकल जाएंगे, दो यानी आपके x² - 18 - 10 x 180, x² + 18 x + 10 x - 180, x + 18 + 1 x + 18, तो x + 18 आ रहा है यहाँ पे, तो ठीक है ये बन जाएगा अपना हाईएस्ट कॉमन पेयर। 3a + 5/a = -8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 5a² + 2। इसको अगर हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं तो कैसे होगा ये, अगर हम यहाँ पे ए को हम क्या ले जो -8 आ जाएगा, अगर यहाँ से अंदर हम माइनस कॉमन लेते हैं, एक सेकेंड ये क्या आ गया, माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3a - 5 = 8 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस तो नहीं आया कॉमन भाई, अगर हम यहाँ पे ए को 1 मानेंगे तो 3 × 1 = 3 + 5 = 8 आ सकता है, लेकिन माइनस में 8 तो नहीं आएगा। अच्छा अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको खोलते हैं तो आपका आ जाएगा 3a + 3² + यहाँ पे 8a और यहाँ पे इसको 5 = 0, 5 × 2² + 2, यहाँ पे आपका 5 + हम लोग का बात उसमें नहीं क्या छूटा है, हो रहा है 7 आ जाएगा, ठीक है 7 आ रहा है, आगे आते हैं। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 14 48 एंड 50, इसको अगर हम देखें तो 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है दोस्तों, ठीक है। तो यार एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो हाफ 1/7 × 40 = 24 कर देंगे, सॉरी 1/48 × 7 कर देंगे, तो आपका 336 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अरे यार ये टिक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अ बॉय कैन फिल 4 लीटर वाटर इन 3 मिनट्स एंड अ गर्ल कैन फिल 3 लीटर्स वाटर इन 4 मिनट्स, तो 1 मिनट में वो 4/3 कर देगा बॉय, और गर्ल कर देगा 1 मिनट में 3/4, तो एलसीएम कितना आ गया अपना, 14 12
तीन नौ, तीन चौक 16, तो 12/25, ठीक है। हमें फील कितना करना है, 100 लीटर को, 12 लीटर, 12 लीटर की वैल्यू सवाल में 100 है। एक लीटर की वैल्यू 100, तो 12/25 लीटर कितनी हो गई, 100/1 में 25 गुना 12, हाँ 25 चौका 12 चौका 48, 48 मिनट्स आएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करना अपने को, एक्स को एक्स बराबर 9 प्लस 9 इंटू 9 प्लस 1 आ जाएगा अंदर, तो 10 हो जाएगा, 10 गुणा 9 90 प्लस 99, तो यहाँ पे 11x ले लेंगे इसको, एक्स यहाँ पे एक्स के लिए 99 आ गया, तो 11 9, 9 टाइम्स 99 आता है, तो 9 इंटू 9 81 हो जाएगा इसके आंसर, तो ठीक है, सिंपल था ये तो क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री मुझे नहीं आती है, सिंपलीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये तो 3/4, इसमें सही नहीं है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब इसका मुझे कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो बन जाते हैं, वैल्यू पुटिंग या फिर जो बेसिक जो चेंज करने वाला होता है, ये तो थोड़ा सा आसान है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 40, तो 40n हो जाएगा, ठीक है। 40n, ईच ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय 40, इफ ईच ऑफ 60%, 60% ऑफ n 14 से इंक्रीज करते हैं, एंड द रिमेनिंग इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, ठीक है। डिग्रीज कितना हो गया, 40% से, तो 41 में n इज 5, ठीक है, इधर हो जाएगा, अपन में n हो जाएगा, n से n खत्म हो जाएगा, इधर बचा कितना, 4 5, ये आपका की 6.4, 46.4 आ रहा है मेरा, तो बाकी इसको फाइंड द डेटा मोड एंड मीडियन रेस्पेक्टिवली, अगर हमको मोड निकाला तो देखते हैं कौन सा रिपीटेड टर्म है, तो यहाँ पे देखते हैं 8 9, यहाँ भी आ रहा है 9, यहाँ भी आ रहा है 9, यहाँ भी आ रहा है 8, यहाँ पे सिंगल बार में है, तो 12 यहाँ पे एक बार में नहीं है, 3 यहाँ पे भी नहीं है, 2 एक ही बार है, तो 9 आ जाएगा इसका मोड, ठीक है। मीडियन के लिए हम इसको अरेंज करना होगा हमें, तो यहाँ पे 2 3 5 6 7 8 8 9 9 9, 3 बार 9 हो जाएगा, फिर आपके 11 12 15, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टर्म्स है, तो इसको इसको खत्म, ये और इधर खत्म, 9 9 ये और ये खत्म, 18 18/2, तो 9 आ जाएगा, तो इसका मीडियन भी 9 आ जाएगा, तो 9 और 9 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स एंड इनिशियल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इन द लाइब्रेरी वेयर इन द रेशियो 5:3, तो इसको 50x बोलते हैं, इसको 30x लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 डेज नंबर ऑफ हिंदी बुक्स आर इंक्रीज 20%, हिंदी बुक्स जो है वो 20% बढ़ गए, ठीक है। और इनिशियल बुक्स कितने थे, 4000, मतलब 50x की वैल्यू 4000 है, ये 800 हो जाएगा, और आपका सिक्स ट्वेंटी 2000, 2000 आ रहा मेरा, तो दोबारा करते हैं इसको एक बार। इनिशियल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स एंड हिंदी बुक्स तो 5:3 था, 50 या 30 मान लिया इसको, इसको हमने इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 30 में
छः बढ़ गया, 36 हो गया। ठीक है, 36, 36 की वैल्यू निकालनी है हमें। छत्तीस गुना 80 कर देंगे तो 2880, तो ये बन रहा है अपना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 15% ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। इफ द करेंट वैल्यू इज इतना इतना हाउ मच। ठीक है, तो ये एक्स इंटू 85 अपॉन में 100 का क्यूब इक्वल्स टू 9826। सत्रह पिच पचासी, सत्रह। ठीक है, 17 से काटते हैं, 578 फिर काटते हैं, अगर हम 34 34 आ गया, 34 दो आ जाएगा ये तो पॉइंट 16, 16 गुना। ठीक है, तो 16,000 आ रहा है अपना। आ गया, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ पॉलीगन इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज इतना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन का होता है फॉर्मूला एन इंटू एन माइनस वन इंटू 180 डिग्री, और इसके लिए मैंने रखी 720, यानी ये 4 गुना है। एन इंटू एन माइनस टू इंटू 1 = 4, एन तो 4, मेरे ख्याल से एन नहीं होता है यहाँ पे, एन इंटू होता है या फिर एन माइनस टू होता है सिर्फ, मेरे ख्याल से एन एन माइनस टू होता है। ठीक है, एन माइनस टू होता है, 720। 4 आ गया, 4 + 6 अगर सिंपल था यार ये, मैं क्या लगा था फॉर्मूला, मुझे दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, मैं भूल रहा हूँ शायद से। द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अ मेजर ऑफ बी ए सी। ठीक है, 48 अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये भी 48 हो जाएगा, 48 और 48 तो ये कितना हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो वो 96 और माइनस कर दे 84 आ जाएगा। और अगर ये 84 है तो सेंटर पे अगर ये बनता है तो सेंटर पे डबल बनता है इसका, तो यहाँ पे 42 होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए, 42 आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5√2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स वन अपॉन एक्स की पावर 4। इसका कंसेप्ट ये होता है कि हमें पहले अगर हम x प्लस वन बाई एक्स निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आपका आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4 होता है ना सेट से, एन स्क्वायर प्लस 4। हाँ ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 4 कितना है, 25, 25 इंटू 54 आ जाएगा, 9 × 54 मतलब 9 × 54 3 × 3 × 2 = 3, 3√6 आ जाएगा ना मेरे ख्याल से। ठीक है, सो और आगे करेंगे इसका, तो प्लस में आ गया अपना ये, और हमें निकालना है माइनस में। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस करना है हमें, तो 15 2√6 3 10 30 30√3 आ रहा है इसका। ठीक है, ठीक है, 30√ आ रहा है इसका, 30√3 आ रहा है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, सुनील टू 500 मिलीलीटर। ये तो ये चैप्टर मैंने रिवाइज नहीं करी है मिक्सचर लिगेशन का, बाकी देखते हैं अगर बनता है तो। फिर 500 लीटर उसने रिप्लेस करी मिल्क, तो अब मिल्क कितना बच गया उसमें कंटेनर में, 500 में से अगर हम 35 माइनस करते हैं तो 465 हो गया मिल्क, और वाटर अपना हो गया 35। एंड अगेन 435 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस बाय वाटर, सो
70 हो गया ये तो, अश्वगंधा खा रहे हैं। 465 माइनस 465 165। यार ये अगर आता तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे तो नहीं आता इसका कंसेप्ट क्या है, बाकी देखते होंगे। द पेरिमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 41, रेडियस इज 7.5, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो पेरिमीटर ऑफ अ सर्कल नाउ द थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर, और दो बार रेडियस को मैं ऐड करना होता है क्योंकि पेरिमीटर निकालना होता है ना। सब फर्क तो हां निकल ले दो, दोबारा पढ़ लो। 7.5 भाई ड्यूटी पकड़ प्लस मेहनत करेगी ना, 15 हो जाएगा ये तो। ठीक है, बीमार पड़ जाएगी। तो आपका आएगा 21 और बात किए हैं माइनस 3 ठीक है। इससे मैंने कैसे नौ से दो ऑप्शन है हमारे पास। 91 आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो 7 आ जाएगा, तो 97.5 बन रहा है अपना। इन हाउ मेनी इयर्स इन सेवन विल बी एसएम। ठीक है, तो 3600 बन गया 8775। तो इंटरेस्ट कितना खाया इसने, 5175 का इंटरेस्ट खाया है, 15%। तो अपना टाइम को तो 100 × SI 5175 और में 3600 गुणा 15 से काटेंगे, और तो 9 तो 9 आ जाएगा ये। फॉर अ ट्रायंगल जे के एल एम एंड द मिड पॉइंट इफ, ठीक है, जी और जे के एल के जे पे और के पे, ये थ्योरम लग रहा है 21 ज़्यादा हो जाएगा, 10.5 आ जाएगा इसका आंसर। तो इन द ट्रेन देयर आर 12 कंपार्टमेंट्स इन वन इंजन। ठीक है, 12 कंपार्टमेंट है, लेंथ दे रखा है सबके कंपार्टमेंट 1.2 टाइम्स द लेंथ ऑफ इंजन। अगर हम इंजन को एक्स मानते हैं तो कंपार्टमेंट की हो जाएगी 12 × 1.2x। तो ये आपका आ जाएगा 14.4x प्लस, तो ये आपका आ गया 206.4 पर डिस्टेंस आ गया अपॉन में 30 डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड पर डिस्टेंस इसको कर देंगे 60 से। ठीक है, 100 बढ़ा के लेंगे या 100 घटा के लेंगे, ठीक है ना, तो इनटू 5/18 कर देंगे ना, 100 घटा दिया तो 69 घटा दिया तो कितना हो गया, 800 बचा मेरे पास है ना, 4800 ये इतना है, ये कितना है 1884, तो इसको हम इसका 100 राउंड बेसिस में तो अगर 100 लगा देंगे तो 100 के आसपास आ जाएगा ना, तो 2000 के आर ठीक करेंगे मैं बादल के खा लिए इन्हें कि दो गिलास पानी दे दिए हुए मतलब ते कहां से लानते आ तो क्या के जय बहुत हमरा डिब्बा दे छोटा सा पहले ना दियो डिब्बा छोड़ दियो रख दियो सीधा हां वो सोचो कि दो लोटा पानी ने दिया पानी 2 प्लस संस्कार ही मेरी नहीं है संस्कार ही नहीं है खर्चा खत्म हो जाएगा भगवान चित्र बरकत दे रहा है 5/18 इक्वल्स 30 जो सोच रहा है उसके साथ भगवान उसको वही दे दे रहा है ठीक है किलोमीटर पर आवर नहीं कलेमान को उसका कहियो ठीक है सही कहा तो ये बोल सब इसको सब पता होगा सब पता है आपकी बात की किया नहीं सब 206 पर आवर कोई अनकुछ मन कुछ ना बिकू बिकू करे ल छे आपको सुनिए छे जरूर दान सब उनको सब पता है खाते
इंटू थ्री अपॉन में 10 बराबर 60 20 200 आ जाएगा। कभी तो काम करवाबो कि नहीं करवाबो तेरी तो 30 आ रहा है मेरे ख्याल से। हां सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज 21 नेचुरल नंबर्स है तो इसका फार्मूला क्या होता है इसका फॉलो तो मुझे नहीं पता अभी तो इसको बाद में करते हैं। ए बी एंड सी स्टार्टअप बिजनेस ए इन्वेस्ट 30% ठीक है तो 30 मतलब 3 पैसे दे दम तो आप लोग दूध दे दियो 4 इस 4 3 7 ये निवेदन दी 3 आ गया एक एक साल के है 13 10 2000 हो जाएगा ठीक है 10 बना रिया चाय से हम रोटी बना के 3 10 10 अभी बनाते हैं 12 आ जाएगा 1200 हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा इसका sum of remainders obtained by dividing 1 to 1 to 11 and 1 3 doubled by 13 इसका आपका आ जाएगा। इसका फार्मूला होता है मेरे ख्याल से इसको डिवाइड करना है क्या रहा 13 डिजिटल सम देखते हैं इसमें दुनिया में सब ताकत बढ़ जाता है यहां पर रोड पर टीम ज्वाइन कर लेते हैं ये आपका दो दिन जो है पच्चा निकलता है हाथ बोल दो 1 plus 1 माइनस एक आ रहा है एक 13 का खाना होता है शाम के तो यहाँ भी दो आ जाएगा इसका दाल चावल नमक भात भी है ना उसको प्रेम से खाएंगे ना मेरा शरीर में लगेगा हम क्या खाते हैं हाथी घोड़ा खा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड हुज बेस इज रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हेक्सागन ठीक है तो इसका फार्मूला होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ठीक है एरिया ऑफ बेस इसका हेक्सागन है मतलब एरिया ऑफ हेक्सागन 6 इंटू रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है 6 होते हैं इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है इक्विलेटरल ट्रायंगल तो यहाँ पे 1/3 इंटू 6 इंटू रूट 3/4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20 इसको सॉल्व करेंगे ये 5 बार में काट देगा ये 2 बार में तो यार 250 आ जाएगा अपना आंसर तो 250 रूट सॉलिड आयरन इज हैमर्ड एंड मोल्डेड इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 8 mm ठीक है इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 1/5 टाइम्स तो दोनों का हमारा जो वॉल्यूम है बराबर होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच नहीं पाई आर स्क्वायर होगा ना सर यहाँ पे खत्म तो ये अपना रहा है सो 3 जब पारा पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अच्छा एमएम में दे रखा ना सेंटीमीटर पूछे तो ठीक है 500 आता है अगर अपना पूछ लो ये 12 आ जाएगा ठीक है। ठीक है लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम हमारे पास काफ़ी टाइम बचा है रिवाइज करने का और आज हम सिर्फ सेक्शन 1 देने वाले हैं दोस्त ठीक है। तो आपका हो जाएगा 45 इंटू तो 135 आ गया ठीक है एवरेज ऑफ क्यू आर एस तो ये आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा 6 years ago the sum of area of P तो 6 years ago the sum of 57 यहाँ से आपका P minus 6 S minus 6 तो P plus S minus का 12 बराबर आ जाएगा आपका 57 P plus S कितना आ जाएगा आपका
69 आ जाएगा। हमें निकालना है s प्लस 8 की वैल्यू। तो हम s निकालना है ना, तो 69 minus s plus q plus r d5। ठीक है, अरे यार ठीक है, सॉरी गाइस 35 पे आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। पंद्रह प्लस एस नहीं, 15 54 आ जाएगा। एस 54 आ गया, तो ज़्यादा आ रहा है मेरा। क्या कुछ रॉन्ग कर रहा है क्या? मैं देखता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ये आपका आ जाएगा sum of p minus 6 plus p minus s minus 6 57 दे रखा है। ठीक है, स्क्रीन तो आ रहा है मेरा, कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ क्या मैं? क्यों प्लस आर कल छुट्टी है नरिया, कल उठ से ना मां ना सुना के मेरे से नसीब पति का यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एस भी तो है, तो ठीक है, तो 1p + 120 - s = 135 हो जाएगा। या गया, या गया। सत्ताईस, ठीक है, 35 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो 35 आ जाएगा इसका आंसर। तो देखते हैं अब क्या मिस किया हमने यहाँ पे रीजनिंग में। रीजनिंग पे आते हैं, अरे यार ये वाला मैं ट्राई कर सकता हूँ एक बार, बाकी ये रॉन्ग हो सकता है।
of the following figures when rotated 270 degree clockwise and then 90 degree anti clockwise result in the given operation. तो हमने अगर 270 डिग्री और क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शंस क्या कह रहे हैं ये मेरे ख्याल से मिरर इमेज बनता है सेट से मतलब उल्टा बनता है मेरे ख्याल से क्योंकि देखो इसमें अगर हम 180 डिग्री टर्न करेंगे तो ये आपका ये बन सकता है ना ठीक है ये बनेगा ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा इसका आंसर ठीक है बाकी मैं श्योर तो नहीं कह सकता दोस्त क्योंकि मुझे भी पता नहीं इसको इस पे आते हैं धनु इज द डॉटर ऑफ शानु ठीक है शानु इज ओनली चाइल्ड धनु जो है वो डॉटर है शानु ओनली चाइल्ड ठीक है किरण जी फादर ऑफ हेमा किरण जो है फादर है हेमा का हेमा स्पाउस इज सन इन लॉ ऑफ शानु हेमा का जो स्पाउस इज द सन इन लॉ ऑफ शानु ठीक है मंग क्या है मंगू मंगू बिलोंग्स टू थर्ड जनरेशन ठीक है द फैमिली हैज सिक्स मेंबर्स इन थर्ड जनरेशन का मंगू मतलब इसका बेटा होता है मंगू ठीक है फादर इन लॉ हिमा ठीक है हिमा हिमा फादर इन लॉ क्या है तो हिमा फादर नहीं है फिर क्या है आपका सन इन लॉ बोला गोपाल ये मुझे आईडी नहीं बन रहा है सब कैसे बनेगा तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ ठीक है बाकी देखते हैं कितना आता है ठीक है सबमिट करते हैं सो गाइस सेक्शन वन ही सेव करते हैं आज देखते हैं कितना आता है इसमें स्कोर सो स्कोर हमारा है 145 50 सही है और 5 गलत हो गए मैथ्स में हमारा 2 रॉन्ग हो गए ठीक है और रीजनिंग में हमारा 3 गलत हो गया हमें 75 आया ठीक है तो काफ़ी अच्छा स्कोर तो नहीं कह सकते इसको बाकी सही है ठीक है तो गाइस आज मैंने सिर्फ सेक्शन 1 अटेम्प्ट किया है क्योंकि इंग्लिश और जीए मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूँ ठीक है तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय ठीक है।